हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी हैप्पी ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं रूह अफ़ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, रूह अफ़ज़ा बनाना बहुत ही आसान है, बहुत तरीक़ों से बनता है। आप इसमें चिया सीड डाल सकते हैं, दूध डाल के बना सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ लेमन जूस डाल के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 ग्लास ठंडा ठंडा पानी लिया है, आप चाहे तो आइस क्यूब डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है, थोड़ा सा लेमन जूस लिया है, चीनी लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 2 ग्लास पानी में सबसे पहले मैं यहाँ पे रूह अफ़ज़ा डालूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2-2 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। फ्रेंड्स, उसके बाद चीनी डालूँगी। चीनी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1 चम्मच यूज कर रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, नींबू का जूस जो है वो मैं डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। आप चाहे तो चीनी की जगह शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, रूह अफ़ज़ा बनकर तैयार है। आप इसे सर्व करने के लिए 1 लेमन का स्लाइस डाल सकते हैं, और पुदीना पत्ता अगर आपके घर में है तो आप वो भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।